और इस बीच आपको बता दें कि मोबाइल गेमिंग ऐप पर ई नगेट्स धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता पुलिस ने सॉल्ट लेक में छापा मारा और 2000 सिम किए जब्त। जी हां, आपको बता दें कि आमिर खान के गार्डन रिज स्थित घर से करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से शहर में अभी हलचल थमी नहीं थी कि कोलकाता पुलिस ने सॉल्ट लेक दफ्तर पर छापेमारी कर धोखाधड़ी का एक और पर्दाफाश किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार धोखाधड़ी का जाल ई नगेट्स नामक मोबाइल गेमिंग ऐप का इस्तेमाल कर बिछाया जा रहा था। ई नगेट गेमिंग फ्रॉड में शामिल होने के संदेह में करीब 12,83,00,000 रुपए के बिटकॉइन पहले ही फ्रीज किए जा चुके हैं। इस घटना को लेकर कोलकाता पुलिस ने सॉल्ट लेक में सघन तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के मुताबिक AWFIS टावर 2 गोदरेज वाटर साइल सॉल्ट लेक की 12वीं मंजिल से काफी दस्तावेज बरामद हुए हैं और करीब 2000 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस जगह के अलावा सॉल्ट लेक में और भी कई जगहों पर छापेमारी की। प्रारंभिक जांच के अनुसार इन सभी जगहों से विदेशी सर्वर खोलकर फर्जीवाड़े का खेल खेला जा रहा था। यहां तक कि बरामद किए गए सिम को भी धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यह भी पता चला है कि 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। सर्वर रूम से बरामद सभी उपकरणों में वेब मैनेजमेंट सिस्टम पाया गया था। जांचकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया कि इस डिवाइस से ऑटोमेटिक बैंकिंग की गई थी। यहां से ढेर सारी बैंक डिटेल के साथ दस्तावेज भी मिले हैं। साथ ही विभिन्न बैंकों के चेकबुक, 3000 डेबिट कार्ड और 483 बैंक किट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अनुमान लगाया कि इन सभी खातों का इस्तेमाल फर्जी KYC के दौरान इस कार्यालय से ई नगेट्स नामक मोबाइल गेमिंग ऐप से धोखा देने के लिए किया गया था। এটা গোদরেজ ওয়াটার সাইডে কুইক ড্রপ অফিস আছে, এর মধ্যে সার্ভার রুম আছে। সার্ভার রুমের ফার্স্ট যে রুম আছে, দিস ইজ লাইক সিম বক্স, এখানে সিম গুলো আছে, কানেক্ট করা আছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে। এটা অটোমেটিকলি এর মধ্যে ওটিপি আসে, অটোমেটিক ওটিপি আসার পর এটা ট্রানজ্যাকশন হয়ে যায়, IMPS ট্রানজ্যাকশন। এখানে কোনো মানুষ থাকে না, এটা অটোমেটিক জেনারেট হয় ওটিপি। এই সার্ভারের মধ্যে আছে, যেখান থেকে ওটিপি জেনারেট হয়ে এখান থেকে চলে যায় ডাইরেক্ট সিস্টেমে, ওয়েবে, যেখানে কুইক সাপোর্ট, এনিডেক্স, টিম ভিউয়ার ইনস্টল আছে, সামবডি আছে, আউটসাইডে আছে যে অপারেট করে ব্যাংকিং ট্রানজ্যাকশন গুলো, অটোমেটিক এখানে দেয়া আছে যেটা থেকে কমপ্লিট হয়। হিউজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে ইনভলভ, হিউজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এর মধ্যে অটো ফিটেড আছে সিস্টেমে, এর মধ্যে